हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कश्यप लाइब्रेरी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर जयपुर ने एक नोटिस जारी किया है DLS जुलाई 2023 बैच में, जो सेकंड बैच का प्रैक्टिकल कैंप रह गया था उसके लिए एक नोटिस जारी किया है। तो अभी नोटिस ये वहाँ के जो रीजनल सेंटर का नोटिस बोर्ड है वहाँ पर लगा हुआ था, तो हमारे कोई स्टूडेंट गए हुए थे तो उन्होंने ये फ़ोटो खींच करके भेजी है, तो थोड़ी ब्लर फोटो आ रही है। तो नोटिस आपके सामने लेकर के आए हैं, थोड़ी देर में वेबसाइट पे भी आ जाएगा नोटिस, तब आपके सामने मतलब फुल क्लियर रूप में इसको डाल देंगे। तो नोटिस चेक कर लीजिए, आज जो 5 जुलाई को जारी हुआ है नोटिस, ठीक है, जब रीजनल सेंटर जयपुर के द्वारा प्रवेश 17 जुलाई 2023 के पाठ्यक्रम DLS में प्रवेशित विद्यार्थियों की स्कॉलर संख्या 23 30 23 070 501 से 23 30 23 071 000 तक, यानी कुल 500 स्टूडेंट हैं को सूचित किया जाता है कि क्षेत्र के अंदर जयपुर और पंजीकृत छात्र छात्राओं के 10 दिवसीय अनिवार्य द्वितीय संपर्क शिविर आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था हो रहा है। तो ईमेल स्कॉलर नंबर के अनुसार परामर्श कक्षाओं में उपस्थित होंगे। DLS द्वितीय शिविर संपर्क शिविर स्कॉलर नंबर इतने से इतने तक हो गया, 10 जुलाई 2024 से 20 जुलाई 2024 तक आपके प्रैक्टिकल कैंप आयोजित होंगे। टाइमिंग रहेगा सुबह का 8:30 बजे, ठीक है। और जो ये स्थान रहेगा, पिछली बार LBS कॉलेज था प्रथम बैच में, द्वितीय बैच में LBS कॉलेज इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, ऑलरेडी एग्ज़ाम चल रहे हैं वहाँ पर प्रैक्टिकल के, तो इसलिए वहाँ पे अब इस बार इन्होंने नहीं दिया। इस बार इन्होंने दिया स्कूल ऑफ सोशल साइंस राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, जयपुर के अंदर जो यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी उसके अंदर एक बिल्डिंग है सोशल साइंस बिल्डिंग की, उसके अंदर आपका, ठीक है। तो वहाँ पे जाना आपको इसके अंदर 17 जुलाई 2024 को मुहर्रम का अवकाश रहेगा, ठीक है। और आगे की कक्षाएँ ऐसे ही चलेंगी। कक्षाओं में उपस्थित होने के लिए गवर्नमेंट पहचान पत्र ID और आधार कार्ड वगैरह कुछ लेके जाएँ। इसी के साथ आपको DLS 02 और 03 की बुक ले जानी है, साथ में अगर आपके पास कॉलन क्लासिफिकेशन की अगर बुक है तो आप वो ले जा सकते हो, ठीक है। 10 दिन का प्रैक्टिकल कैंप होगा और जिसमें से आपको 75% अटेंडेंस ज़रूरी है, ध्यान रहे, यानी कि आपको कम से कम 8 दिन वहाँ पे जाना ज़रूरी रहेगा, क्योंकि 7.5 दिन तो होते नहीं है, तो 8 दिन ही होगा, तो 8 दिन आपको जाना कंपलसरी है। तो अपना जो भी स्टूडेंट इस बैच के अंदर आते हैं वो सभी अपना प्रैक्टिकल कैंप जरूर अटेंड करें और प्रैक्टिकल में अच्छे से प्रैक्टिकल सीखें कि प्रैक्टिकल होते कैसे हैं, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं वो यही मार खा रहे हैं कि प्रैक्टिकल नहीं आता उन स्टूडेंट्स को, और प्रैक्टिकल में यूनिवर्सिटी बैक देती है अच्छी तरह से, कि मेरी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हो कि नंबर कैसे काटते हैं यूनिवर्सिटी वाले। तो इसलिए आप उसे सभी से यही निवेदन है, जो भी स्टूडेंट इस बैच के अंदर आ रहा है और जिनके स्कॉलर नंबर हैं वो प्रैक्टिकल कैंप जरूर अटेंड करें, 8 दिन जरूर अटेंड करें 10 दिन में से, ठीक है। और वहाँ पे ये सीखे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होते हैं, तो आप सभी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को आराम से दे पाओगे। और ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर मान लो प्रैक्टिकल का पेपर कैसे वगैरह होता है, तो मैंने पहले वीडियो डाल दी है DLS 02 के पेपर्स की, पैटर्न वगैरह की, तो आप पुरानी वीडियो भी देख सकते हो। तब तक के लिए आगे जैसे ही कोई नया सूचना आएगी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड, तब आपको वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।